योगी ने बिग बॉस के घर में एंट्री मारकर एक सेशन के दौरान अरमान मलिक की बोलती बंद कर दी। इसके साथ ही पायल मलिक के डिवोर्स वाले वीडियो पर उन्होंने जब सवाल किया तो यहां अरमान को एक रियलिटी चेक देते नजर आए हैं मुनव्वर फारूकी। दरअसल इन दिनों हम देख रहे हैं कि पायल मलिक घर के बाहर आने के बाद लगातार अपने व्लॉगिंग चैनल पर एक्टिव हैं और उन्होंने रिसेंटली कुछ वक्त पहले एक व्लॉग डाला था जिस व्लॉग में उन्होंने मेंशन किया था कि वो अरमान मलिक को डिवोर्स दे देंगे। घर से बाहर जैसे ही अरमान मलिक आएंगे उसके बाद पायल उनसे डिवोर्स ले लेंगे, अपने बेटे के साथ वो अलग हो जाएंगे और उसके बाद पायल मलिक को भारी भरकम ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। घर से बाहर आने के बाद पायल मलिक लगातार ट्रोलिंग को फेस कर रही हैं और इस बात का खुलासा रिसेंटली मीडिया राउंड में अरमान मलिक के सामने हुआ। जब मीडिया ने उनसे इस बात पर सवाल किया तो अरमान मलिक का रिएक्शन काफी कैजुअल था। अरमान मलिक ने कहा कि वो चीजें बाहर जाकर देख ली जाएंगी, वो वक्त बताएगा, वो कहीं नहीं जाएगी क्योंकि वो प्यार है मेरा, उसके साथ जो रिश्ता है वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ इस बात पर मुनव्वर फारूकी का कहना है कि आपको ये चीज बॉदर क्यों नहीं की कि कोई आपसे डिवोर्स लेना चाहता है, आपकी वाइफ आपसे डिवोर्स लेने की बात कर रही है और आपको ये चीज परेशान ना करे, ये काफी हैरानी वाली बात है। तो यहाँ अरमान कहते हैं कि विश्वास है, प्यार है, भरोसा है कि वो कहीं नहीं जाएगी, मुझे पता है मैं चीजें ठीक कर दूंगा। तो इसके बाद पर अरमान मलिक को लेकर मुनव्वर का कहना ये रहता है कि आप इस बात को ग्रांटेड ले रहे हैं, आपके दिमाग में शायद ये बात फिक्स हो चुकी है कि जब वो तब नहीं गई, जब इतना बुरा हुआ तो अब क्या जाएगी। इस बात को सुनते ही अरमान मलिक कहते हैं कि ग्रांटेड नहीं, ये एक भरोसा है। इसके बाद अरमान आगे कहते हैं कि वो बाहर खुश है, चीजें देख रहे हैं, बाकी हम जाकर देख लेंगे, जिंदगी है ऐसे ही चलती है। इस पर मुनव्वर फारूकी का एक रियलिटी चेक जाता है अरमान मलिक के लिए और वो कहते हैं कि एक बात मैं आपसे क्लियर कर दूं कि भाभी खुश नहीं है, बाहर उनके साथ चीजें ठीक नहीं हैं, तो आप अगर इस भ्रम में हैं तो वो भ्रम तोड़ दीजिए। मुनव्वर फारूकी और अरमान मलिक का ये कॉन्वर्सेशन नजर आया है लाइव फीड में, एक सेशन के दौरान की बात है। हालांकि इस कॉन्वर्सेशन के बाद फैंस के रिएक्शन की बात करें तो मुनव्वर फारूकी भी ट्रोल हो रहे हैं और अरमान मलिक भी। लोगों का कहना है कि अच्छा हुआ किसी ने अरमान को ये बात बताई, और वहीं मुनव्वर फारूकी के लिए लोगों का कहना है कि एडवाइस दे भी कौन रहा है। लोगों का कहना है कि खुद अपने सीजन में अपने रिलेशंस को लेकर क्लियर नहीं थे और ये है कि रिलेशनशिप पर एडवाइस देने आए हैं। तो ट्रोलिंग तो दोनों के लिए हुई है, लेकिन यहाँ पर मुनव्वर फारूकी को लेकर तारीफें भी काफ़ी हो रही हैं कि जो रियलिटी चेक जो बिग बॉस को या मीडिया वालों को देना चाहिए था वो मुनव्वर ने दे दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पर क्या कुछ है कहना, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।